हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो अब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, चलिए समझते हैं। जब प्रकाश की किरण, मतलब जैसे कोई प्रकाश की किरण है, ठीक है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, विचलित मतलब अपने मार्ग से हट जाते हैं। जैसे सीधे कोई जा रही है तो रास्ते में कोई चीज़ आ गई तो हट जाती है, तो उसी को विचलन कहते हैं। मतलब रास्ता अपना बदल लेना ही क्या कहलाता है, विचलन कहलाता है। तो यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन में दो माध्यम होते हैं, ठीक है, इसीलिए कहा गया जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, अब चलिए इसका पहले प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसका ग्राफ, मतलब जो डायग्राम होता है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो यह डायग्राम बनाने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर दो डायग्राम बनते हैं, ठीक है, पहला डायग्राम देख लीजिए। ठीक है, ये वो होता है, ये हमारा नॉर्मल होता है, ठीक है, नॉर्मल। अब देखिए ये हमारा कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है, विरल माध्यम, ठीक है, और ये हमारा सघन माध्यम है, सघन माध्यम है। ठीक, जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से आती है, मान लो यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है आपकी, चलिए जब प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, ठीक है, तो क्या होता है, इसको किधर जाना चाहिए, जाना तो इधर चाहिए ना, लेकिन जब ये विरल माध्यम से सघन जैसे ही सघन माध्यम में आती है तो ये जो होता है ये अभिलंब इसकी ओर खिसक आती है, तो ये ऐसे हो जाती है। ठीक है, तो मतलब कि अब हम लोग क्या ले सकते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, आपतित किरण होती है, आपतित किरण, और ये हमारी कौन सी होती है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित, अपवर्तित किरण होती है। ठीक है, अब इसके बीच का जो एंगल होता है वो किससे, आई से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इसके बीच का एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण, और ये होती है हमारी अपवर्तित, अपवर्तन, अपवर्तन कोण हो गया। ठीक है, बस इतना ही है कि जब हमारी प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो हम लोग ऐसे भी डिफिनेशन लिख सकते हैं कि जब हमारी प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम लोग अपवर्तन, प्रकाश अपवर्तन या प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा डायग्राम हम लोग कैसे देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग सघन माध्यम कर देंगे और नीचे विरल माध्यम कर देंगे। ठीक है, ऊपर वाला हमारा सघन माध्यम हो गया और ये हमारा विरल माध्यम हो गया। सघन माध्यम मतलब जिसमें जो अणु होते हैं वो पास पास होते हैं, और विरल माध्यम में जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं। ठीक है, विरल माध्यम हो गया, और ये हमारा क्या है, ये तो हमारा नॉर्मल ही है। अब इसमें जैसे ये प्रकाश की किरण आई, ठीक है, तो यहाँ तक तो आई, लेकिन ये जब ये अपवर्तित होगी तो इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये विरल माध्यम से तो ये थोड़ा दूर हट जाती है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई अपवर्तित, आपतित किरण, आपतित किरण, और ये हमारी अपवर्तित किरण। ठीक है, इसके बीच में एंगल ये हमारा आई ही रहता है, आपतन कोण, ये हमारा क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है,
आर अपवर्तन कोण आर होता है, ठीक है। बस इतना ही है। अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है। पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए ग्राफ देख लीजिए, ये देखिए। जैसे ये हमने छोटा सा ग्राफ यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। जैसे ये हमारा क्या होता है, ये नॉर्मल होता है, और ये देखिए यहाँ से किरण क्या हो रही है, आपतित है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण। और ये जो पॉइंट होता है इसे आपतन बिंदु बोलते हैं। और यहाँ से जैसे कोई भी किरण निकलती है तो ये क्या होती है, हमारी अपवर्तित किरण होती है, अपवर्तित। तो ये तीनों ही देखिए, आपतित किरण को देखिए, अभिलंब को देखिए और अपवर्तित किरण को देखिए, तीनों एक ही पॉइंट पे है ना। तो बस पहला नियम यही है कि जो आपतित किरण होती है, अपवर्तित किरण होती है तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। अब दूसरे नियम किन्हीं दो माध्यमों के लिए, अब दो माध्यम देखो, जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो दो माध्यम के लिए होता है, ठीक है, या तो सघन माध्यम हो, कुछ भी हो, लेकिन दो माध्यम उसमें होना जरूरी है। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, और प्रकाश क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एक ही रंग का प्रकाश होना चाहिए, के लिए आपतन कोण कीजिए तथा अपवर्तन कोण कीजिए। मतलब कि जो ये एंगल बन रहा है और ये एंगल में, इसकी ज्या, ज्या मतलब साइन एंगल, तो साइन आई, ठीक है। तो एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। मतलब जो आपतन कोण की ज्या है साइन आई अपॉन साइन आर, इनका क्या होता है, ये नियतांक होता है, ठीक है, क्या होता है, नियतांक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूल, पूछा बहुत पेपर में, बहुत बार पूछा जाता है। और इस नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, ये याद रखना, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस में भी पूछ सकता है कि जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसके नियम को कौन किसका नियम कहते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं कि उस नियम को क्या लिख सकते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।